जो क्रेटा हो गई, सेल्टोज हो गई, मतलब इस लेवल की गाड़ियां जो होंगी उनकी कहीं ना कहीं उनके पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा इन दो गाड़ियों से। हमें एक कमी खलती थी ना, 1.2 लीटर इंजन 3 सिलेंडर में ज्यादा मिलता था टाटा मोटर्स में, और अभी अगर ये 4 सिलेंडर में दे रहे हैं तो आप समझ सकते हो इंजन काफी रिफाइन मिलने वाला है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं, अगर आप अभी नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो आने वाले इस मंथ में अगस्त या फिर अगस्त के बाद में, तो कुछ गाड़ियां अभी बिल्कुल नई लॉन्च होने वाली हैं, तो ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े और कि भाई ये गाड़ियां आने वाली थी और हमने अभी खरीद ली। तो सितंबर से दिसंबर के बीच में 10 से 15 लाख के बजट में बहुत शानदार कारें कुछ लॉन्च होने वाली हैं, तो आज उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी कार लॉन्च हो रही हैं, और कहीं ऐसा ना हो आपको उनमें से कोई सी पसंद आ जाए और फिर आपको अपने आप ऊपर पछतावा हो कि यार अभी थोड़ा सा और रुक जाता तो ये वाली गाड़ी मैं ले लेता। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो और बात करते हैं कौन कौन सी गाड़ियां अगले 3 महीने में जो है लॉन्च होने वाली हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में। सॉरी मैंने 3 बोल दिया। तो इन 4 महीने में कौन कौन सी धांसू गाड़ियां आ रही हैं 10 से 15 लाख के बजट में, उसकी बात करते हैं। जी सबसे पहले बात करेंगे सेप्टेम्बर मंथ की। तो सेप्टेम्बर मंथ में जो है आपके पास एक तो आने वाली है सबसे पहले टाटा नेक्सन की फेसलिफ्ट। फिर सबको पता है टाटा नेक्सन बहुत टाइम से ऐसे ही चल रहा है और अभी उसका फेसलिफ्ट आने वाला है, तो वो सेप्टेम्बर में लॉन्च हो रही है। और बाकी उसमें जो इंजन आपको मिल रहा है इस बार 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, 125 पीएस की पावर मिलती है जिसमें, और 225 एनएम के टॉर्क मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इसके इंजन में ये चेंज मिलेगा, जो पुराना इसका इंजन था उसमें 120 पीएस की पावर मिलती थी और 170 एनएम के टॉर्क मिलते थे। पेट्रोल और डीजल में ये गाड़ी आपको मिलेगी, डीजल इंजन सेम वही रहेगा जो पहला इसमें है। और जो इसका प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं लगभग 8.5 लाख से लेके और 15 लाख के बीच में। तो नेक्सन की ईवी फेसलिफ्ट भी लॉन्च हो रही है और उसका भी बजट हम ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 15 लाख के आसपास पहुंचेगा। तो अगर आपका प्लान है 10 से 15 लाख के बजट में गाड़ी लेने का, तो काफी कुछ चेंजेस इस नेक्सन में आपको मिलेंगे, तो आप इस पे भी जाके एक बार ट्राई मार सकते हो, क्या पता आपको ये गाड़ी पसंद आ जाए। तो सितंबर में सेकंड जो गाड़ी हो रही है लॉन्च, वो हो रही है भाई होंडा की एलिवेट। भाई आप सबको पता है गाड़ी वैसे मार्केट में आ गई, काफी सारे आपने वीडियोस देख लिए हैं उस गाड़ी के, 220 एनएम की जो उसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रही है और 1.5 लीटर इंजन मिलता है 1498 सीसी के साथ में पेट्रोल में, और 119.35 बीएचपी की पावर इस इंजन में आपको मिलती है, 145 एनएम के टॉर्क मिल जाते हैं। भाई इसका प्राइस जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं तो वो करके चलना है लगभग 12 लाख, और अगर 12 लाख में ये गाड़ी आती है तो काफी अच्छी टक्कर देगी ये क्रेटा को, सेल्टोज को, क्योंकि प्रीमियम नेस जो होंडा की है वो आपको क्रेटा और सेल्टोज में नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं होंडा जो है इन कंपनीज से अभी भी ऊपर है प्रीमियम नेस में, और जो इनके इंजन है और प्लस बिल्ड क्वालिटी में भी। तो उम्मीद यही करेंगे कि ये गाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी मार्केट में आने के बाद में। तो अगर आपका कुछ मन है कि भाई इस बजट में आप गाड़ी लेना चाह रहे हो 10 से 15 लाख, तो इस गाड़ी पे भी आप जा सकते हो। अब तीसरी जो गाड़ी लॉन्च हो रही है सितंबर में, वो होगी जो महिंद्रा की बोलेरो नियो प्लस। तो इसे प्लस क्यों बोला गया है, इसमें एक तो आपको 7 सीटर तो मिल ही रहा है, अब इसमें 9 सीटर भी आपको ऑप्शन मिलेगा और 1.5 लीटर डीजल इंजन इसमें आपको मिलेगा जो इसमें ऑलरेडी आपको मिल रहा है। तो ये गाड़ी भी एक दमदार गाड़ी है, सबको पता है भाई गांव देहात के हिसाब से कितनी बढ़िया परफॉर्म करती है। बोलेरो का मतलब एक अलग ही नाम चलता है और काफी रफ एंड टफ गाड़ी है, रियर व्हील ड्राइव के साथ मिलती है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन निकल के आ रहा है आपके सामने। और जो इसका प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो करके चल रहे हैं 10 लाख के आसपास, तो मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं जाने वाली, आपको आराम से 10 से 15 लाख के बजट में जो है इसके ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट आपको मिल जाएंगे। अब फोर्थ गाड़ी की बात करते हैं, तो फोर्थ गाड़ी है भाई टाटा एल्ट्रोज रेसर। आपने देखी होगी ये गाड़ी जो ऑटो एक्सपो हुआ था जनवरी में उसके अंदर, तो इसके लॉन्च होने का टाइम आ गया है, सितंबर में ये गाड़ी लॉन्च हो रही है, ऑलमोस्ट मान के चल रहे हैं कि 20 सितंबर के आसपास शायद लॉन्च हो जाए।
1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, और 118.35 bhp की पावर इसमें आपको मिल रही है। 4 सिलेंडर इंजन इसमें आपको मिल रहा है। तो जो हमें एक कमी खलती थी ना, 1.2 लीटर इंजन 3 सिलेंडर में ज़्यादा मिलता था टाटा मोटर्स में, और अभी अगर ये 4 सिलेंडर में दे रहे हैं तो आप समझ सकते हो इंजन काफ़ी रिफाइंड मिलने वाला है। और एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको चाहिए थोड़ा स्पोर्टी लुक, क्योंकि गाड़ी देखी थी तो काफ़ी कुछ इसमें चेंजेस थे, और इसमें आपको स्पॉइलर मिल रहा है। तो अभी तक एल्टोज में जो स्पॉइलर उस डिजाइन में नहीं आता था जो इसमें दिया जा रहा है, मतलब एक काफ़ी अच्छी गाड़ी निकाल रहे हैं। और इसका बजट भी लगभग रहेगा आपका 10 लाख के आसपास, तो जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं वो ये 10 लाख प्राइस कर रहे हैं, बाकी देखो क्या निकालती है कंपनी। तो एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको चाहिए भाई प्रीमियम हैचबैक और एक स्पोर्टी लुक और बढ़िया दमदार इंजन के साथ में, तो एक अच्छा ऑप्शन है ये गाड़ी हमारे सामने। तो अब 5th नंबर की बात करेंगे। तो भाई ये जो गाड़ी लॉन्च हो रही है, ये गाड़ी लॉन्च हो रही है अक्टूबर मंथ में, ये मान के चल रहे हैं हम। तो ये मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे सिट्रोन C3 एयरक्रॉस की। तो जैसे कि सबको पता है सिट्रोन अभी नई आई है इंडिया में, और मतलब पिछले साल में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ इसकी सेल नहीं हो पाई है, लेकिन जिन लोगों ने इसकी गाड़ियाँ खरीदी है तो वो काफ़ी अच्छा फीडबैक दे रहे हैं कि काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है सिट्रोन की गाड़ियाँ। तो इसमें जो आपको इंजन मिल रहा है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा है पेट्रोल में, और इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 200 mm, तो मतलब काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस ये दे रहे हैं, और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ही ये गाड़ी अभी आपको अवेलेबल होगी। जो इसका प्राइस जा रहा है वो जा रहा है लगभग 11 लाख के आसपास, आप मान के चल रहे हैं कि इतना प्राइस कंपनी रखने वाली है, मगर इस प्राइस में अगर देखते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है ये भी। अब 5th नंबर की बात करते हैं। तो 5th नंबर पे जो मैंने गाड़ी ली है वो ली है ह्यूंडई i20 N-Line, जो 2023 में आ रही है। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन इसमें आपको मिलने वाला है, और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ही खाली मिलेगा। तो 4 सिलेंडर इंजन इसमें आपको ये मिल रहा है, और जो इस गाड़ी की ज़्यादा डिटेल्स अभी शेयर नहीं करी है कंपनी ने, नवंबर में ये गाड़ी जो है मान के चल रहे हैं कि लॉन्च होगी। तो आपको प्रीमियम हैचबैक अगर चाहिए तो, और अच्छी पावर के साथ चाहिए, तो ये एक आपके सामने ऑप्शन है जो अक्टूबर में लॉन्च होने वाली है। और ये मान के चल रहे हैं कि इसका प्राइस जो लगभग रहेगा वो रहेगा 10.30 लाख के आसपास। अब बात करते हैं दिसंबर मंथ में कौन कौन सी गाड़ियाँ लॉन्च होने वाली हैं। तो भाई अभी 7th नंबर पर जो गाड़ी है वो है टाटा पंच ईवी। तो इसको मान के ही चल रहे हैं कि दिसंबर एंड में, या फिर ये हो सकता है 2024 में भी लॉन्च हो सकती है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। बाकी ईवी में पंच आ रही है, तो इसका जो प्राइस हम मान के चल रहे हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि 12 लाख के आसपास रहेगा, और इस प्राइस में रहती है तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन एक आएगा ईवी में निकल के लोगों के सामने। अब दिसंबर में कुछ और दो गाड़ियाँ ऐसी लॉन्च होने वाली हैं जो अगर सच में चल गई ना, और प्राइस रेंज उनकी जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो रख दिया, तो वो बाकी गाड़ियों की जो है छुट्टी सी कर देंगी। जो क्रेटा हो गई, सेल्टोज हो गई, मतलब इस लेवल की गाड़ियां जो होंगी उनकी कहीं ना कहीं उन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा इन दो गाड़ियों से। तो 8वें नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ जी MG की बाओजुन 510। तो ये जो गाड़ी आ रही है भाई, ये एक तो MG ने पिछले कुछ टाइम में ना काफ़ी अच्छी सेल करी है, एक अच्छा विश्वास बना लिया है इंडियन मार्केट में। और ये गाड़ी जो आ रही है, ये आ रही है 2 लीटर इंजन के साथ में, डीजल इंजन इसमें आपको मिलेगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में, और इसका इंजन जो मिल रहा है 1998 cc में मिल रहा है। तो SUV लेवल की ये गाड़ी है, और अगर इसका प्राइस मैं आपको बताऊंगा जो हम मान के चल रहे हैं वो रखा गया, तो भाई आप विश्वास नहीं करोगे, ये बाकी गाड़ियों की छुट्टी करने वाली है। इसका जो प्राइस हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो चल रहे हैं 11 लाख। तो हो भी सकता है, क्योंकि जैसे क्या और गाड़ियां हैं MG की, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उनका प्राइस भी उन्होंने जो है काफ़ी कम रखा है, तभी वो आज की डेट में सेल हो रही हैं। और अगर इस प्राइस रेंज में इस गाड़ी को लेके आते हैं 2 लीटर इंजन डीजल में, तो सच में मतलब एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आएगा हमारे सामने निकल के, और उम्मीद कर रहे हैं ये गाड़ी भी ना दिसंबर में लॉन्च हो जाएगी। अब इस साल में जो इस बजट में 10 से 15 लाख के बजट में जो है लास्ट गाड़ी की बात करते हैं, तो जैसे कि सबको पता है यार जीप कंपास आती है एक जीप की, और काफ़ी लोग उसको बोलते हैं ओवर प्राइज्ड कार है वो, और 2 लीटर इंजन के साथ में आती है वो भी। लगभग उसका टॉप वेरिएंट का अगर हम प्राइस देखते हैं तो 36 से 37 लाख ऑन रोड पहुँचता है,
जो कि मुझे भी लगता है 2 लीटर इंजन में ओवर प्राइज्ड है वो, और उसी को देखते हुए शायद जीप ने अभी जो निकाल रही है सब 4 मीटर SUV, दिसंबर में ये गाड़ी लॉन्च होगी, इसमें जो इंजन दे रही है भाई साहब आप हिल जाओगे देख के, तो इसमें जो 2 लीटर इंजन मिल रहा है डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में और 1998 सीसी में मिल रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन इंजन इसमें आपको मिलने वाला है। और अगर इसका हम प्राइस की बात करें तो जो प्राइस इसका हम मान के चल रहे हैं कि 10 लाख के आसपास ये गाड़ी लॉन्च होगी, अगर ये प्राइस इस गाड़ी का रख दिया तो सच में ये सब में धुआं निकाल देगी, क्योंकि जीप का एक नाम अलग होता है और जीप की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। आप मतलब किसी भी चीज़ में ले लो जीप को, हर चीज़ में अच्छी है, थोड़ा सा आपको मेंटेनेंस हाई पड़ता है, सर्विस कॉस्ट वगैरह ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपको हाई लगेंगी उसकी, लेकिन हाँ इंजन वगैरह उसके काफ़ी अच्छे हैं जीप के। तो अगर इस प्राइस रेंज में ये गाड़ी आ जाती है तो सच में ये बाकी गाड़ियों की सबकी छुट्टी कर देगी। सो गाइज, ये कुछ गाड़ियां हैं, 9 गाड़ियां हैं लगभग, जो अभी आने वाले 4 महीने में जो है लॉन्च होने वाली है, और अगर जो प्राइस हमने इसमें एक्सपेक्ट किया है उसके हिसाब से ये लॉन्च होती हैं तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन आपके सामने निकल के आने वाले हैं। मतलब ये जो ईयर एंड चल रहा है तो ईयर एंड में मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं और नए इंजन के साथ में गाड़ियाँ आ रही हैं। लास्ट की जो 2 गाड़ियाँ हैं अगर वो इस प्राइस रेंज में आ जाती हैं, 11 लाख या 10 लाख के आसपास उनका प्राइस कंपनी रखती हैं, तो सच में वो एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन होगा जो कम बजट में और SUV वाला फील लेना चाहते हैं, 2 लीटर इंजन उनको पसंद है, तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदे का सौदा रहेगा। सो गाइस, होप करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर आप भी प्लान कर रहे हैं अपनी गाड़ी का तो शायद आपको और उसमें कुछ हेल्प करेगा ये वीडियो। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते हैं आगे ऐसी किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।